मोर्दाबाद मोर्दाबाद प्रशासन हाय 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 प्रशासन हाय 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 नॉर्थ एंड मोर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 लगातार हमारे कॉलेज कैंपस में ऐसे मामले होते रहे हैं और आम प्रकार से आम छात्रों के साथ बदतमीजी की जाती है। कभी कोई ड्रेस नहीं पहन के आया, कोई लड़का कभी आईडी कार्ड भूल गया या रसीद भूल गया तो उसको हमारे प्राचार्य महोदय या अन्य उनके सहयोगीगण उसको मारते पीटते हैं। अधिकतर बार ऐसे केस आए हैं और अन्य बार छात्र मुखर नहीं होता, लेकिन जब इस छात्र की तबीयत बहुत बेकार हो चुकी थी, दो दिन से बेकार था, लेकिन बच्चा पढ़ने के लिए कॉलेज कैंपस में आया और लाइब्रेरी बताने के बाद भी इसको मारा गया और इसकी चुरकी खींच करके बताया गया कि तुम अराजक हो, चुरकी खींच करके प्रूफ किया गया, जबकि ये व्हाइट ड्रेस में था, आईडी कार्ड भी लगाया था, फीस रसीद भी साथ लिया था और आम छात्रों के साथ एक्सटेंशन की क्लास करने के लिए जा रहा था। क्या इस तरह लगातार ऐसी हरकतें होती हैं? सर, लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं। हर कर्मचारी, अधिकतर कर्मचारियों द्वारा कॉलेज कैंपस में इस प्रकार की अराजकताएं की जाती हैं। छात्रों को बेइज्जतशुदा बातें की जाती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उनके हाथ पकड़े जाते हैं, उनको मारे जाते हैं, मोबाइल छीन लिया जाता है। इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन, अभी जैसे कि हम यहाँ पे आए FIR दर्ज कराने के, लेकिन लोगों द्वारा ये कहा गया कि आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, ये हो जाएगा, तो मैं सरकार से भी अपने पूछना चाहता हूँ और जिला प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर हमारे साथ अन्याय होता है और मैं थाने पे जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ तो आप हमको ये बताएंगे कि हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा सके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उद्देश्य सिंह है, मैं TD कॉलेज BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर का छात्र हूँ। ये अराजकता कौन करता है कॉलेज में? क्या प्रिंसिपल इसके लिए दोषी हैं? ये प्रिंसिपल ही सरासर दोषी हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब द्वारा ही ऐसा किया जाता है और मैं प्रिंसिपल साहब से आप पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल साहब के पास कई बार शिकायत लेकर के गया कि सर आप इसको क्यों मारे या इसको क्यों मारे, जब छात्र हमारे पास आता है। मैं विद्यार्थी परिषद से भी हूं और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी हूं, तो इस वजह से मैं छात्रों की उनको सुनता हूं, समस्याओं को सुनता हूं और जाता हूं, तो प्राचार्य द्वारा बदतमीजीशुदा बातें करके हम लोगों को निकाल देना, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। क्या नाम है प्राचार्य का? प्राचार्य का नाम डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी है, वो TDPG कॉलेज के प्राचार्य हैं। 7 तारीख तो मैं उधर से PG बिल्डिंग से और लाइब्रेरी हॉल के लिए जा रहा था, तभी बलरामपुर हॉल के पास उधर से प्रोटोरियल बोर्ड के लोग और प्रचार जी उधर से आ रहे थे और वो पूछे इतना कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, हमने कहा कि लाइब्रेरी हॉल जा रहे हैं, बस इतने पर हमको मुंह पे तमाचे से मारा गया। केवल यह कहकर कि इस समय लाइब्रेरी हॉल जा रहे हो, यही कहा गया और तमाचे से मारा गया। मैं जब वहाँ से 3 या 4 कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से प्रचार जी आए और हमारे चुंडी को ऐसे पकड़ के खींच दिए, अरे चुंडी रखे हुए नखरा दिखा रहे कॉलेज में आके, बस यही। उसके बाद से हम लाइब्रेरी हाल चले गए और वो लोग बिल्डिंग के PG बिल्डिंग के तक चले गए। क्या नाम है आपका? मणिप्रकाश। किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc सेकेंड ईयर। कहाँ पढ़ते हैं? TD कॉलेज जौनपुर। कौन थे प्राचार्य? विनोद कुमार सिंह। अच्छा, तो उसको लेकर के आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की है? जी नहीं, अभी शिकायत के लिए मैं 7 तारीख को गया था, पहले चौकी पे गया तो वहाँ पता चला कि नहीं FIR वहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा, थाने पे रिकॉर्ड होगा। थाने पे आया था, यहाँ पे थाने इंचार्ज नहीं थे, जिस कारण हम लोग SP ऑफिस गए थे, वहाँ पे पता चला कि SP साहब मीटिंग में है, इसलिए हमको कहा गया कि आज जाइए कल आइएगा। और शाम को हमको हमारे भाई साहब जो ट्वीट किए थे उसकी तरफ से UP पुलिस के फोन आया, लाइन बाजार इंस्पेक्टर की तरफ से, क्या मामला है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कल मिली, तो फिर मैं आज फोन किया गया भाई सब कब आएँ, तो उन्होंने अभी तुरंत हमको थाने बुलाया था। अभी तक आपका FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ है? अभी तक हमको जो यहाँ पे कांस्टेबल थे वो मोटिवेट कर रहे थे कि हाँ सोच लीजिए एक बार और FIR करना है कि नहीं करना, और उसके बाद से अभी हमारे साथ आए जो लोग हमारे सहयोगी, उन लोगों का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है सबका। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी नहीं संतुष्ट हैं सर।